हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो फ्रूटी, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में और बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना केमिकल के बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कच्चा आम लिया है और 3 से 4 हमें पका आम लेना है। इसे हम पके आम को अच्छी तरीके से छील लेना है और उसका पल्प निकाल लेना है, और कच्चे आम को भी हमें छील के उसे बारीक बारीक कट कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे छील लिया है और यहाँ पे मैंने कच्चा आम आधा ही लिया है, क्योंकि ये खट्टा है बहुत, तो मैंने हाफ ही लिया है। इसे हमें कट करके अच्छी तरीके से इसका पल्प निकाल लेना है। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये मैंगोज़ को कट कर लिया है। अभी हमें एक मिक्सी जार में इसे डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है, बिल्कुल फाइन एकदम पेस्ट बना लेना है इसका। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना शाइनी और कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो चलिए बनाते हैं। अभी हमें एक पैन गरम कर लेना है और मीडियम फ्लेम रखना है, और इस प्यूरी को हमें पैन में डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट पकाना है। तो मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अभी इसे हमें चलाते रहना है। अभी इसमें हमें डालना है 1 कप शक्कर। चीनी डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाना है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए हमें इसे पकाते रहना है। ये देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें बबल आ रहे हैं, ये देखो ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो इसी तरीके से हमें और 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ते हुए पकाते रहना है। और ये बस हमारा मिक्सचर रेडी है। तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने, अच्छी तरीके से ठंडा होने दे। बर्तन में स्ट्रेनर लिया है ताकि इसमें जो भी लम्ब्स है वो स्ट्रेनर्स में निकल जाए, और इसे अच्छी तरीके से चम्मच की हेल्प से हमें पल्प को निकाल लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके से हमें अच्छी तरीके से इस छन्नी से छान लेना है। ये हमारा पल्प एकदम रेडी है। तो इसमें हमें मिलाना है अभी पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी मिलाया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस फ्रूटी का। ये हमारा फ्रूटी बनके रेडी है। हम घर पे भी फ्रूटी मार्केट स्टाइल जैसी बिना प्रिजर्वेटिव के बना सकते हैं। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इसे मैं ग्लास में निकाल रही हूँ और ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी 1-2 घंटे के लिए रख सकते हैं और चिल्ड सर्व कर सकते हैं आइस। और ये हमारा फ्रूटी बनके रेडी है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बन के रेडी है। आप इसे इंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।